संसद में एससी एसटी एक्ट में बदलाव करने के बाद सरकार सवर्णों की नाराजगी दूर करने में विफल रही है। सवर्ण समाज के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आज भी अभियान चला रहे हैं। भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व बीजेपी विधायक गंगा सिंह चौहान आज जागरूकता यात्रा के तहत बस्ती पहुंचे। यहां वे मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही साथ गंगा सिंह चौहान ने नई पार्टी बनाने वाले राजा भैया पर भी जमकर निशाना साधा और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात कही। मैं इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। जहां तक हमारा उद्देश्य है, समूह समाज के लिए राजा भैया क्या जितने भी प्रदेश या देश के सांसद वो भी कुछ नहीं बोल पाए। जिस समय समर समाज का चीरहरण हो रहा था लोकसभा के अंदर, उस समय सारे मौन थे। मेरा ये कहना है कि भला उसी में होगा जब ये एक्ट समाप्त हो जाए, भला उसी में होगा जब आरक्षण पद्धति बदल जाए, क्योंकि इस आरक्षण की वजह से हमारी प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है और पढ़े लिखे लोग बेकार हो रहे हैं। अन्य देश वाले लोग बुला रहे हैं इनको, लेकिन हमारे देश में कोई खपत इसलिए नहीं है कि 35 और 40% वाले लोगों को यहाँ पर पहले रखा जाता है और प्रतिभाएँ हमारी सब बेकार जा रही हैं। इसलिए हम आए हैं कि ये एससी एक्ट ख़त्म हो जाए और सवर्णों का भी आयोग बने, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। इसमें कोई विसंगति नहीं रहनी है, सर्व समाज का लाभ होना है, चाहे दलित हो, कोई भी धर्म हो, सबको इसमें लाभ होना है। इसलिए ये यात्रा इसी निमित्त निकाली है। इसलिए इसके पहले अभी आपने जो कहा था राजा भैया में कि हमने कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि इसके पहले जो भी हुआ तब कोई नहीं बोला। आज चुनाव जब डिक्लेयर है, सर पर है, हम सारे लोगों ने यात्राएं निकाल ली हैं, तब मतलब हर आदमी पार्टी बना करके किस उद्देश्य से काम करना चाहता है, समाज में वोटों के बंटवारा के लिए करना चाहता है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस बंटवारे से कहीं भाजपा का फायदा ना हो जाए, ये प्रायोजित तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा आंदोलन जन मतलब दिल्ली तक जाएगा और इसके बाद भी नहीं होगा तो सर्व समाज के लिए ये जो हमारे तीनों मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए हमारा संघर्ष अनवरत चलता रहेगा।